जिला भाजपा महामंत्री एवं एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर की गई टिप्पणियों को लेकर विधायक राजेंद्र राणा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा को अनुराग व प्रेम कुमार धूमल से काफी डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि राणा तथा उनके सुपुत्र को अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल की आलोचना करना व मीडिया में बने रहने की आदत हो चुकी है। जिला भाजपा महामंत्री एवं एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर की गई टिप्पणियों को लेकर विधायक राजेंद्र राणा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि राणा को अनुराग व प्रेम कुमार धूमल से काफी डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि राणा तथा उनके सुपुत्र को अनुराग ठाकुर व प्रेम कुमार धूमल की आलोचना करना वो मीडिया में बने रहने की आदत से मजबूर हो गए हैं। शर्मा ने कहा कि राजेंद्र राणा राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर बात करें। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में भारी मंदी पर केंद्र सरकार के 100 दिन पर जो मीडिया माध्यम से राणा अनुराग ठाकुर की आलोचना कर रहे हैं वह बेबुनियाद और तथ्यहीन है। अजय शर्मा ने कहा कि राणा तथ्यहीन बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहने की आदत में है और एक बार जनता ने सुजानपुर में उन्हें अपना समर्थन दिया है तो वही जनता अब पछता रही है और सुजानपुर की जनता ने लोकसभा चुनावों में अनुराग ठाकुर को अपना बहुमूल्य समर्थन देकर साबित किया कि वे भाजपा के साथ हैं। शर्मा ने कहा कि राणा अपना जन समर्थनकर्ता देकर खीस मिटाने के लिए अनुराग ठाकुर व प्रेम कुमार धूमल पर आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से पूर्व राणा अपने गिरवान में जांच कर देखें। अजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार 100 दिन में कई बड़े निर्णय लिए गए जिसमें धारा 370 35A को हटाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश जल्द ही आर्थिक मंदी से बाहर निकलेगा और मंदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में निर्णायक सरकार है और कई देश हित के निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने राणा को सलाह दी कि मीडिया में बने रहने के बजाय अपने कांग्रेस नेताओं में सलाह मशवरा करें क्योंकि कई कांग्रेस नेता मोदी सरकार की प्रशंसा करने से भी पीछे नहीं है जिसमें प्रदेश कांग्रेस पार्टी महासचिव एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर और भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास के नए आयामों को छू रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावों के समय हिमाचल प्रदेश की जनता को कहा था कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय अमित शाह जी थे उन्होंने भी उस समय चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश की जनता को ये वायदा किया था कि आप जो है डबल इंजन जो है इस प्रदेश में लगाए और विकास की गति उसको उससे विकास को गति मिलेगी और उसी दिशा में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश और प्रदेश में आगे बढ़ रही हैं। विकास के नए नए आयाम इस प्रदेश में छुए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर लगातार प्रयासरत हैं, केंद्र से आर्थिक मदद इस प्रदेश के लिए ला रहे हैं और लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद जो है वो इस 1.5 वर्ष के भीतर आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी लाने में कामयाब हुए। आने वाले समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग इस प्रदेश को मिल रहा है लेकिन स्थानीय कांग्रेस के नेताओं को शायद ये चीजें पच नहीं रही हैं। सुजानपुर के विधायक श्रीमान राजेंद्र राणा लगातार प्रदेश सरकार की आलोचना कर रहे हैं लेकिन धरातल पर जो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है वो शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सी योजनाएं इस प्रदेश के लिए लाई गई हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी लगातार प्रयासरत हैं इस प्रदेश के अंदर विकास को आगे गति प्रदान करने के लिए और उनके नेतृत्व में ही उनके प्रयासों से ही लगभग 9 नई ट्रेनें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश लगभग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में और भी विकास को गति मिलेगी। मुझे लगता है कि विधायक राजेंद्र राणा को अपना चश्मा बदल कर देखना चाहिए ताकि वो विकास जो इस प्रदेश में हो रहा है उसको भी देख सकें।